करना है आगे आने वाले दिनों में, तो प्रॉब्लम को आपको झेलना पड़ेगा। छोटा काम छोटा प्रॉब्लम, बड़ा काम बड़ा प्रॉब्लम। एक कहानी मैं बोलना चाहता हूं, समझिए इस स्टोरी से। एक जगह की बात है कि एक पत्थर का मूर्ति बना हुआ था और एक पत्थर का सीढ़ी बना हुआ था। कोई भी आदमी जाता था तो पत्थर वाले मूर्ति पर, चाहे दुनिया का कितना स्वाभिमानी आदमी हो, वो अपना सर झुकाता था, और दुनिया का कितना कोमल व्यक्ति हो, जब वो सीढ़ी वाले पत्थर पर जाता था तो लात लगाता था। इस प्रकार सीढ़ी वाला पत्थर एक महीना देखता है, एक साल देखता है, दो साल देखता है, पांच साल देखता है, और पांच साल देखने के बाद उसे रहा नहीं जाता है। और मूर्ति वाले पत्थर के पास जाता है और पूछता है कि भाई आप एक चीज बताओ, ऐसा आपने कौन सा कर्म किया, ऐसा आपने कौन सा काम किया जिसकी बदौलत कोई भी आदमी आता है तो तेरे ऊपर सर झुकाता है, और ऐसा कौन सा हमने गलत काम किया कि दुनिया का कोई कोमल व्यक्ति भी आता है मेरे ऊपर लात लगाता है। और जो मूर्ति वाला पत्थर होता है फाइटर्स, वो हंसता है, मुस्कुराता है और बोलता है कि देखो हम दोनों एक ही पहाड़ी पर थे। बोला हाँ। बोला एक ही कारीगर ने वहां से तोड़ा था। बोला हाँ। बोला एक ही ट्रक पर लोड हुआ था। बोला हाँ। बोला एक ही फैक्ट्री में आया था। बोला हाँ। तो बोला उसने कि जब उस कारीगर ने तुझे दो चोट मारा तो तू टूट गया, बिखर गया, और उस कारीगर ने मुझे 6 महीने तक पीटता रहा, मैं चीखता रहा, वो काटता रहा, मैं चिल्लाता रहा, वो फोड़ता रहा, मैं बर्दाश्त करता रहा, और आज उसी का नतीजा है, बर्दाश्त करने का नतीजा है कि आज मैं मूर्ति बन गया हूं। और अब आगे आने वाले सालों साल हम, जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा तो लोग हम पर सर झुकाएंगे, और तुम दो हथौड़े की चोट बर्दाश्त नहीं किया, जब तक तेरा अस्तित्व रहेगा लोग तुम्हारे पर लात लगाएंगे। मेरी बातों को समझना। दुनिया का कोई भी कामयाबी जो पेट बर्दाश्त करता है वो व्यक्ति लेता है। अरे कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी दोस्त? अगर आपके किस्मत नहीं होते तो ये WPL जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और इंडिया के अच्छे दमदार नहीं मिलते। दुनिया का सबसे दमदार अप्लाई और दमदार प्लेटफॉर्म आपके साथ है। आज के बाद आप ये सोच लीजिए कि अगले 5 साल ना दिन देखूंगा, ना रात देखूंगा, ना घर देखूंगा, ना परिवार देखूंगा, केवल ये WPL करूंगा, अपने कैरियर के बारे में सोचूंगा, लोगों के कैरियर के बारे में सोचूंगा। मैं दावा देता हूं कि अगले 5 साल बाद आपके पास भी मर्सिडीज होगा, आपके आगे भी करोड़पति का दाम लगा होगा। और एक चैलेंज करता हूं जिसको पर आपकी हाथ चली जाएगी, जिसके जिसको आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, वो व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा दोस्तों। वो प्लेटफॉर्म है, कर सकते हो दोस्तों। हमने भी यही काम किया और आज 7 साल केवल हुए, और 7 साल में प्लेटफॉर्म की वजह से, AWPL की वजह से, अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से, और आप लोग की सपोर्ट की वजह से, जहां पर मैं पूरी लाइफ जॉब करता तो शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ आता। ये प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्त कि 25 करोड़ से ज्यादा का अचीवमेंट आया है। दिस इज ए पावर ऑफ AWPL। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आज कारों की बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आज हमारे पास तो करोड़ों की कार है ही, और टीम में सैकड़ों करोड़ों की कार है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और एक बात चैलेंज के साथ बोलता हूं, मेरा विजन है कि इंडिया नहीं, अगर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी नेटवर्क में सबसे ज्यादा करोड़पति लीडर होंगे तो हमारे नेटवर्क में होंगे, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर होंगे तो हमारे नेटवर्क में होंगे, और वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे मजबूत टीम और सबसे मजबूत लीडर होंगे तो हमारे साथ होंगे दोस्त। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, चांस के लिए कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, हम लोग आपके अप्लाई आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है दोस्तों। आप 5 साल टिक के काम करना, मैं दावा देता हूं AWPL वो प्लेटफॉर्म है कि आज आपके घरों में शायद कोई
कोई बड़े बड़े नेता या पहले महाक्रांतिकारी होते थे उनका फोटो लगता था, अब 5 साल हमारे साथ चलना, जो सिस्टम बोलता है, जो अप्लाई बोलता है वो फॉलो करना, मैं दावा देता हूं आगे आने वाली 50 पीढ़ियों में दोस्त आपकी फोटो लगेगी, ये मेरी गारंटी है दोस्त।